हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स की हमारी पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट यानी कि मापन, और इसमें हम मात्रक वगैरह भी पढ़ेंगे, मापन मेजरमेंट पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे विमाएँ यानी कि डायमेंशंस, ठीक है ना। भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ लिया था, सदिश अदिश राशियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा ये थर्ड क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मात्रक के साथ साथ, इम्पोर्टेंट मात्रक के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट विमाएँ जो आपके जो नॉन टेक एग्जाम्स हैं, जितने भी उनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं नॉन टेक के, फिजिक्स के जो सामान्य विज्ञान के सामान्य विज्ञान के पोर्शन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट मात्रक को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको विमाएँ पढ़ा दूंगा और कुछ चीज़ें जैसे कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें कन्वर्ट करना, वो भी हम यहाँ सीख लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बल का मात्रक हम सबको पता है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन प्लस डायन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन और डायन, ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर 10^5 डायन होता है। एक न्यूटन बराबर 10^5 डायन होता है, ठीक है। अगर आ जाए एग्जाम में तो ये हमें करना है। कार्य के मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, ठीक है ना। और दूसरा मात्रक क्या है कार्य का, अर्ग, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मात्रक इंटरनेशनल प्रणाली में पूछा जाए तो जूल है, एमकेएस प्रणाली में, ठीक है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। शक्ति का मात्रक आपसे एग्जाम में आता है वाट। एक और मात्रक होता है अश्वशक्ति, एक मात्रक और है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति भी किसका मात्रक होता है, यह भी शक्ति का मात्रक है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। यह हमसे प्रश्न आता है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है। चाहे गतिज ऊर्जा आ जाए, चाहे स्थितिज ऊर्जा आ जाए, तीनों ऊर्जा आ जाए, हमें मात्रक तीनों का क्या लगाना है, जूल लगाना है। नेक्स्ट देखो फटाफट से, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ये बहुत आता है आपसे एग्जाम में, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, ठीक है ना। इस तरीके का एक साइन होता है, उससे डिनोट करते हैं ओम को। नेक्स्ट देखो, तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, ये क्वेश्चन आपसे आता है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज करते हैं, इसका मात्रक ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत की मोटाई कहेंगे, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या है। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना। 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में, पृथ्वी से आप 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर और मैक्सिमम 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप, तो ये जो पूरी परत है, ये पूरी परत में यहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, इसको मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन, ठीक है ना। डॉप्सन इसे या डॉप्सन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, डेसीबल, आपसे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। लेंस की क्षमता को मापने का मात्र क्या है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता को मापने का मात्र क्या है, यह भी आपसे क्वेश्चन आता है, डायोप्टर है। नेक्स्ट देखो, ज्योति फ्लक्स को किस में मापते हैं, ल्यूमेन में मापते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्र क्या है, टेस्ला, क्या है, टेस्ला के साथ साथ एक और मात्रक है गॉस, क्या है, गॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्यानता को किस में मापते हैं, पॉइज में। पॉइज किसका मात्रक है, ये आपसे एग्जाम में बार बार आता है, पॉइज श्यानता को मापने का मात्रक है। नेक्स्ट देखो, ये सब जितनी भी राशियां आपको दिख रही हैं, इनको हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम आपका निकल जाएगा और कुछ खास समझ में भी नहीं आएगा, जब इनसे रिलेटेड चैप्टर आएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेवर है। आवेश को किस में मापते हैं, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। धारिता का मात्रक क्या है, फैराड, क्या है, फैराड, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, इन इंपॉर्टेंट मात्रक से आपसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है।
कुछ और चीज़ें हैं मात्रक से रिलेटेड जो हमें याद करनी है, ठीक है ना। तो इनको आप रिवाइज कर लेंगे या मैं एक बार रिवाइज करवाऊँ इनको, इनको आप खुद वीडियो को एक बार और दोबारा से देख के इनको आप रिवाइज कर लेना। ये हर एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विस में अगर मात्रक से क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सब में फिजिक्स के मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मात्रकों से आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, जो सात मूल मात्रक थे उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। सात मूल राशियाँ थी और उन सात मूल भौतिक राशियों के सात मात्रक हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो, अब हम इसमें मात्रकों वाले चैप्टर में कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे आयतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आयतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम आयतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि एक बैरल, ठीक है, ये प्रश्न आता है आपसे, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ये आपसे प्रश्न आता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, कितने, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ये आयतन का एक स्पेशल मात्रक है, इसको आप याद कर लेना। एक बैरल में 159 मीटर होते हैं, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कुछ दूरी के इंपोर्टेंट मात्रक, दूरी के महत्वपूर्ण मात्रक, दूरी के महत्वपूर्ण मात्रक, ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के महत्वपूर्ण मात्रक। देखो, दूरी के मात्रकों में सबसे पहली बात, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है, पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे एग्जाम में आता है, पारसेक है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, ठीक है ना, या विद्युत धारा का, या फिर चाल का, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा आपको। कई बार बच्चे कंफ्यूज होके इसे समय का मात्रक लगाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं वर्ष, अच्छा वर्ष आ गया तो आंसर क्या टिक करना है, समय टिक करना है, ऐसा नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मात्रक है इसका, अभी मैं इनके बारे में थोड़ा और कुछ बता दूंगा आपको, तीसरा इंपॉर्टेंट मात्रक होता है उसे कहते हैं खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। देखो, एक पारसेक बराबर, यहां एक पारसेक लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं, एक पारसेक बराबर होते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष है। लाइट ईयर को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, ठीक है। यानी कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है, देखो, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, एक वर्ष में चली गई कुल दूरी क्या कहलाता है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहलाता है, या प्रकाश वर्ष कहलाता है। मतलब यहां पर आपके समझ में आ रहा होगा कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर दो शब्दों से मिलकर बना दिया हमने, प्रकाश एक वर्ष के भीतर जितनी कुल दूरी तय करता है, और प्रकाश की कोई किरण एक वर्ष के भीतर जितनी कुल दूरी तय करेगी, उस पूरी दूरी को हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में कितने मीटर या कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर। सोचिए आप, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर इतना होता है ये, ठीक है। तो काफी बड़ा यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब देखो, खगोलीय दूरी क्या है,
खगोलीय दूरी क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना आप लोग साथ साथ। ठीक है, मैं अगर बताना भूल भी जाऊँ तो, है ना। नोट डाउन तो बहुत कम बच्चे शायद कर रहे होंगे नोट्स, मुझे नहीं लगता कि आप लोग, क्योंकि आलस में रहते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो, यह है हमारा सन और इसे कहेंगे सूर्य, यह है पृथ्वी अर्थ। अब सूर्य से पृथ्वी के, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की कुल दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की कुल दूरी को खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इसे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU इसे कहते हैं। अब यहाँ से सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है कितनी, सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, तो यह है 1498,00,000 किलोमीटर। कितनी है, 1498,00,000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। इस 1498,00,000 किलोमीटर को आप 14.98 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हो, या फिर 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हो। कितना कह सकते हो, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो यहाँ से खगोलीय दूरी क्या है और प्रकाश वर्ष क्या है और पारसेक क्या है, ये आपसे समझ में आ गया आपके। तब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो पारसेक है, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आता है और इसका मान एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है आपसे, इसका मान बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ और दूरी के मात्रक हैं जिनमें हम बात करते हैं मील की। किसकी बात करेंगे, मील की। देखो बच्चों, मील जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सामान्य मील, एक होता है सामान्य मील और दूसरा होता है आपका नॉटिकल मील। एक होता है सामान्य मील और दूसरा होता है नॉटिकल मील, या इसे हिंदी में समुद्री मील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री मील। ठीक है, सामान्य मील कितना होता है, सामान्य मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। एक सामान्य मील में कितने किलोमीटर होते हैं, आपसे प्रश्न आता है, 1.6 किलोमीटर या फिर हम इसे कह सकते हैं लगभग 1600 मीटर। क्या कह सकते हैं, लगभग 1600 मीटर। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं, या फिर इसे कह सकते हो 1852 मीटर। कितना होता है, लगभग 1852 मीटर। बात आ रही है आपके समझ में। तो एक सामान्य मील क्या है, 1.6 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील क्या है, 1.8 किलोमीटर। ये दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, इनको याद रखोगे। इसके साथ साथ देखो, समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, ये आपसे क्वेश्चन आता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को किस में मापते हो, बताओ फटाफट से। समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदम में। किस में मापते हैं, फैदम में। और आपसे यहां फैदम से भी क्वेश्चन आता है। मैं ये जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, आप ये मत समझना मैं टेक्निकल फिजिक्स में चला गया हूं, नहीं, सामान्य फिजिक्स है ये। सामान्य फिजिक्स का मतलब है जनरल साइंस, जितने भी नॉन टेक के एग्जाम्स हम देते हैं, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, ठीक है, उन सब में ये फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। ये टेक्निकल पोर्शन नहीं चल रहा है, नॉन टेक ही चल रहा है। समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन आता है फैदम। एक फैदम बराबर, तो एक फैदम बराबर 6 फीट होते हैं। कितना, 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट होते हैं, 6 फीट नहीं कहेंगे, 6 फीट ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद करना है, इंपॉर्टेंट मात्रक है यहाँ दूरी के। पहली बात पारसेक, दूसरी बात प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी क्या है, सामान्य मील 1.6 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉटिकल मील तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। ठीक है, दो चीज़ें हमें याद हो गई, नॉटिकल मील प्लस समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, फैदम में। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट के बराबर होता है, ये हमें पता चल गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक बैरल से भी क्वेश्चन आता है, बैरल का मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ,
साफ कर देता हूँ फटाफट से। एक काम कर लो, इसे नोट कर लो, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं फटाफट से इसे नोट कर लो, जल्दी से जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लो इन्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब जानते हैं हम द्रव्यमान के इम्पोर्टेंट मात्रक, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट मात्रक किसके? द्रव्यमान के, द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रक, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि मास। अब सबसे पहली बात, मास तो सबसे पहली बात कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10^24 किलोग्राम, 6 × 10^24 केजी, ये हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान से जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे वो आ सकते हैं, देखो एक जो FPS पद्धति हमने फुट पाउंड सेकंड जो प्रणाली पढ़ी थी उसमें पाउंड से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक पाउंड कितने ग्राम या किलोग्राम के बराबर होता है? 1 pound 453.5 ग्राम के बराबर होता है। इसको लेकर बहुत सारी दिक्कत रहती है बच्चों के साथ, खासकर जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर पाउंड की बात होती है, और हमारे कभी कभी हमारे समझ में ही नहीं आता। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनके तो अच्छे से समझ में आता होगा, हम समझ ही नहीं पाते कि ये पाउंड क्या है। तो अब आपको याद रहेगा 1 pound = 453.5 ग्राम होता है, 1 pound = 453.5 ग्राम होता है, ठीक है। और एक और चीज़, हम सोने वगैरह को भी, गोल्ड को, हीरे को, इसको भी किस में मापते हैं? इसको कैरेट में मापते हैं। तो ये भी किसका मात्रक है? ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। कैरेट किसका मात्रक है? कैरेट किसका मात्रक है बताओ फटाफट से? द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। एक कैरेट में 205 मिलीग्राम होते हैं, एक कैरेट में 205 मिलीग्राम होते हैं, है ना। या फिर इसे आप कह सकते हो 0.2 ग्राम कह सकते हो, 0.2 ग्राम कह सकते हो, ठीक है, एक कैरेट का, है ना। कैरेट मतलब सोने को किस में मापते हो आप? कैरेट में। तो देखा है ना, सबसे शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। सबसे शुद्ध सोना किसका होता है? 24 कैरेट का। लेकिन ज़्यादातर हम यूज किस में लेते हैं? 22 कैरेट का सोना हम ज़्यादातर यूज लेते हैं, है ना। काफ़ी कम यूज होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना। सबसे शुद्ध सोना आपसे पूछ लिया जाए 24 कैरेट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट द्रव्यमान के मात्रक थे, फटाफट से इन्हें नोट कर लो, जल्दी से सब बच्चे नोट कर लो, इन्हें नोट कर लो। चलिए साफ कर दूं मैं इसे साफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, अब हमारी एक चीज और बची है, वो है आपका विमाएं निकालना, है ना। तो एक काम करता हूं मैं, फिर विमाओं के लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, ठीक है ना। एक मात्रक और जान लेते हैं हम, समय का, ठीक है, टाइम का। टाइम यानी कि समय। समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? समय का सबसे बड़ा मात्रक होता है कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष, है ना, इसे कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। ये टाइम का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है, टाइम का सबसे बड़ा मात्रक। एक कॉस्मिक ईयर में कितना टाइम होता है? इसमें होते हैं 25 करोड़ वर्ष। इसमें होते हैं 25 करोड़ वर्ष।
अब आप पूछेंगे सर ये कॉस्मिक ईयर आया कहाँ से है। एक्चुअली हमारा जो सूर्य है सन, मान लीजिए ये सन है फिर से सूर्य है और ये है हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा का ये केंद्र है और आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर सूर्य जितने समय में लगाता है यहाँ से घूमकर, यहाँ से एक चक्कर सूर्य जितने समय में पूरा करता है आकाशगंगा के एक, आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर सूर्य जितने समय में पूरा करता है उसी टाइम को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर या कॉस्मिक वर्ष। ठीक है। अच्छा, इस कॉस्मिक ईयर की जो टोटल वैल्यू होती है वो 25 करोड़ वर्ष होती है, यानी कि हमारा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का यानी कि मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। वैसे मैंने जब जन्म लिया था तो मैंने सोचा था कि मैं सूर्य का एक चक्कर देख के जाऊंगा, फिर जब मुझे पता चला कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने सोचा अब ठीक नहीं है, ठीक है ना, बेइज्जती हो जाएगी। चलिए, तो इस वीडियो में मुझे आपसे यही बात करनी थी। डायमेंशंस के लिए मैं एक काम करता हूँ, अगली वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए ज़्यादा लेंथी वीडियो लेके आया हूँ मैं, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो इसे शेयर कर देना, और कुछ खास नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, डेली कहना पड़ता है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो चल बस यही बात करनी थी, थैंक यू।